लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने कमर कस ली है, तो वहीं दूसरी ओर हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक लिबरहेडी के स्वीटी फार्म पहुंचे, जहां पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने निशंक का स्वागत किया। वहीं जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। उन्होंने इस दौरान केंद्र सरकार की पिछले 9 सालों की गरीब कल्याण की योजनाओं का बखान किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की कई योजनाओं का लाभ देश के हर गरीब को मिल रहा है। आजाद भारत के इतिहास में पीएम मोदी के जितना काम किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया है। पीएम मोदी की नीतियों से प्रभावित होकर युवा लगातार भाजपा से जुड़ रहे हैं। भाजपा में आने वाली सभी कार्यकर्ताओं को पार्टी में पूरा सम्मान दिया जाएगा। केंद्र की मोदी सरकार की नीतियों से समाज के प्रत्येक वर्ग में भाजपा के प्रति विश्वास बढ़ा है। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार की तमाम योजनाओं के बारे में लोगों को अवगत कराया। मंगलोर से राहुल सैनी की रिपोर्ट। जनसंवाद के तहत हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। बहुत सारे गांवों का आज हमारा भ्रमण था और उस भ्रमण को करते हुए आज हम यहाँ पर पहुँचे। बहुत उत्साह है। हम लोगों ने हरिद्वार को दिल्ली और मुंबई की तरह सड़कें दी हैं, पुल दिए हैं, ओवरफ्लाई दिए हैं, रेल के बहुत सारे नई योजनाओं को दिया है। आमखेड़ी पुल जैसा जो लगभग 30 साल से जिसकी मांग थी, उस मांग को पूरा किया। किसानों को बहुत सारी समस्याओं का समाधान हुआ है, इसलिए लोग बहुत खुश हैं। और आज गरीब कल्याण की योजनाओं पर भी हमने गांव के लोगों से चर्चा की।